का मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है लक्ष्य कार्की। आजकल फास्ट इंट्रो कर रहा हूँ। सो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे आप सब लोग बताइएगा कमेंट में। और अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो देखते हैं मम्मी ने ब्रेकफास्ट में क्या बना रखा है। तो मम्मी ने बना रखा है कद्दू की सब्जी, पराठा और दूध। तो मैं ब्रेकफास्ट के लिए था, उसके बाद मुझे बहुत सारे काम करने, लाइक मुझे पढ़ाई करनी है मुझे पढ़ाई करनी है, प्रैक्टिस करनी है और बहुत सारे काम करने हैं। सबसे पहले तो मैं ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ। और दिन में शायद से मम्मी के साथ मुझे कहीं बाहर जाना पड़ सकता है, जैसे कि सामान लेने जाना पड़ सकता है, शैम्पू साबुन वगैरह वगैरह। अभी जब मैं होमवर्क कर रहा था तो मैंने देखा कि मेरे पास पेन है ही नहीं। मैं बार बार लाने की सोच रहा था लेकिन मैं भूल जा रहा था, तभी अभी मैं पेन लेने जा रहा हूँ। और ज़्यादा दूर भी नहीं है, ये एक दुकान पास में एक गली के बगल पे ही है। मैंने अभी पेन ले ली है, देखो 4 पेन ले रखी है, 2 ब्लू 2 ब्लैक। तो अभी मैं घर जाके जल्दी से होमवर्क कर लेता हूँ। मैं भी पेन लेके आ चुका हूँ। और जो जब मैं पेन ले रहा था वाली वीडियो थी ना, उसमें पता नहीं बहुत कम वॉल्यूम आ रही थी, उसमें आवाज़ नहीं आ रही, तो ज़रा गौर से सुनिएगा। मैं भी इतनी देर से पढ़ाई कर रहा था और प्रैक्टिस कर रहा था। अभी कुल मतलब अभी बज रहे होंगे 2:30 दिन के, तब तक मैं टीवी देख लेता हूँ क्योंकि उसके बाद फिर मैं ट्यूशन चले जाऊँगा। ट्यूशन चलना है, चलना, चलो उठो, चलो 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 फटाफट उठो। मैं रेडी हो चुका हूँ और देखे नए नए एकदम कपड़े पहन लिए, नए तो नहीं है मतलब कपड़े पहन लिए हैं। और स्मार्ट लग रहा ना, ट्यूशन की तरफ निकल रहा हूँ अब मैं। और आज मौसम इतना अच्छा हो रहा है, ऐसा लगे कि बारिश आ रही है, आएगी, दिखाता हूँ। तो देखिए कितना अच्छा मौसम हो रहा है। मम्मी वहाँ पहाड़ों की तरफ बारिश हो रही है क्या? हाँ, इतनी तेज हवा भी चल रही है, देखो ये देखो पूरा मिल गया। मैं देखो उधर मेरे दोस्त आ रहे हैं। ट्यूशन से आने के बाद खेलने चले गए थे, और खेलने से आने के बाद मैं पढ़ाई करने बैठ गया था क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं। और आप बोल रहे होंगे ना कि कितने कहते हैं, यही क्यों बताते रहते हैं कि पढ़ाई करनी है, क्योंकि जो भी लाइफ में चल रहा हो तो बताना ही पड़ता है ना, और कुछ तो है नहीं क्योंकि कंटेंट तभी। और मैं उतना ज़्यादा भी नहीं पढ़ता, मतलब एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है फिर भी, क्योंकि एग्ज़ाम भी चल रहे ना तभी इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, मैंने देखा कमेंट में कि बहुत लोग पूछते हैं आपके फ्री फायर की आईडी क्या है, आपके फ्री फायर की आईडी क्या है। तो फ्री फायर की आईडी है लेकिन उसमें मम्मी खेलने नहीं देती है, क्योंकि मैं ज़्यादा तो नहीं खेलता, फिर भी जब नानी आती तो चुपके चुपके खेल लेता हूँ, पता ना बता। और फ्रेंड्स, मैं नानी के फ़ोन में चुप चुप के इसलिए खेलता हूँ क्योंकि मम्मी के फ़ोन में कोई भी गेम नहीं, फ्री फायर भी नहीं है तभी। पर जब मैं बड़ा होऊंगा तो मेरे पास खुद का मोबाइल होगा, उसमें फ्री फायर डाउनलोड करूंगा, टॉप अप करूंगा, सब कुछ आलो क्रोनो जो भी है सब कुछ, स्काइलर वूकोंग सब कुछ खरीद लूंगा, मतलब जितने डायमंड होंगे ना उतना ही खरीदूंगा, समझा करो उतने पैसे कहाँ से होंगे, तब तक मेरा वेट करना। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि आप अपने गाने का भी एक चैनल खोलो, उसमें गाने डालना है, लेकिन मेरा पहले से एक चैनल है, अगर जिसको नहीं पता है, वैसे सबको पता होगा लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि जिसको पता नहीं है कि मेरा गाने का चैनल है, पापा ने कुछ टाइम पहले बनाया था, कुछ सालों पहले, अगर आप पप्पू करके या फिर पीके एंटरटेनमेंट सर्च करोगे तो हमारा चैनल आ जाएगा, उसमें मेरे सारे गाने दिखेंगे, मेरे भी और पूरे ग्रुप को भी, ग्रुप के भी। और नए गाने के लिए वेट ज़रूर करिएगा, लाइक भी कीजिएगा सब गाने को, जितने भी गाने लाइक सब्सक्राइब, 500,000 का टारगेट देता हूँ वाले चैनल में। अभी मेरी मम्मी बर्तन धो रही है, और मम्मी बताओ इतना काम करती है, पता नहीं थकती भी नहीं है, पता नहीं मम्मी थकती कैसे नहीं है, मैं बोल बोल के थक जाता हूँ लेकिन वो काम कर करके थकती नहीं, पता नहीं कैसे हो जाते हैं जागी। तो अभी मम्मी खाना बना रही है, मतलब खाना तो बन चुका है, वो अब गर्म गर्म रोटियाँ बनाएंगी, और खाना भी नहीं बनाएंगी क्योंकि दिन का जो खाना है वही खाऊंगा। इतने उनने कद्दू की सब्जी बनाई थी, इतनी ज़्यादा टेस्टी हुई थी, मैं मतलब उंगलियाँ ही खा गया था एकदम। देखो हड्डी दिख रही होगी, देखो हड्डी दिख रही होगी ना, ये देखो ये मैंने खा ली थी उंगली, ये तभी इतनी ज़्यादा टेस्टी हो रही थी। तो मम्मी अब बनाएंगी गरम गरम एकदम रोटियाँ, फुलका, चपाती जो भी है सब।
तो ये देखिए बन गई गरम गरम रोटी। कभी कभी तो मुझे भी मन करता है मम्मी को देख के रोटी बनाने के, लेकिन वो बनाने नहीं देती। तो खाना बन चुका है, अब मैं खाना खाता हूँ और आप भी खाना खाइए और सो जाइए, मतलब ऐसे सो जाइए। और मिलता है आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। गुड नाइट, गुड बाय।